बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस और पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय ने साल 2007 में जूनियर बच्चन यानी अभिषेक बच्चन के साथ शादी की थी। दोनों की मुलाकात फिल्म गुरु के सेट पर हुई थी और इसके बाद इन्हें प्यार हो गया, जिसके बाद दोनों की शादी मुंबई में अमिताभ के घर पर खास रिश्तेदारों के बीच हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐश्वर्या ने अभिषेक के साथ 7 फेरे लेने से पहले पेड़ से शादी की थी? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या था पूरा किस्सा। दरअसल ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी बॉलीवुड की बड़ी शादियों में से एक थी, जिसके चर्चे कई दिनों तक सुनने को मिले। इसी बीच एक अफवाह ये भी थी कि ऐश्वर्या ने अभिषेक से पहले पेड़ से शादी की थी क्योंकि वो मांगलिक थी। वहीं जब ऐश्वर्या ने ये बात सुनी तो उन्होंने इस पर काफी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा हुआ था, लेकिन मुझे ये अफवाह बहुत ही बुरी लगी, इसीलिए मैंने इसके बारे में जवाब देना जरूरी नहीं समझा। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमारा परिवार इतना सॉलिड है कि हमने सारी चीजें परिवार के मुखिया के ऊपर छोड़ दी थी। ये तब बहुत अजीब हो जाता है जब इंटरनेशनल मीडिया में आपसे इसके बारे में पूछा जाता है। इस वक्त मेरा उन्हें जवाब देना समझाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जब मैं विदेश ट्रेवल करती हूँ और उस दौरान जब वहाँ की मीडिया पूछती है कि क्या तुमने पेड़ से शादी की और क्या वो तुम्हें बड़ा श्राप मिला है, तब आप सोचने लगते हैं कि ओह माय गॉड, अब कहाँ से शुरू करूँ। वहीं बच्चन परिवार से जब इसके बारे में पूछा गया तो अमिताभ बच्चन ने कहा था कि हमारा परिवार अंधविश्वासी नहीं है, हमने तो ऐश्वर्या की जन्म पत्री भी नहीं देखी थी। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या ये अफवाह सच है या झूठ? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।